14 फरवरी को भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। वैलेंटाइन डे वो खास दिन होता है जब हर कपल प्यार में खोया नजर आता है, और वैलेंटाइन डे का दिन कपल एक दूसरे के लिए खास बनाने के लिए अपने अपने लेवल पर तैयारी करते हैं। वैसे बॉलीवुड में भी ऐसे कई कपल है जिनकी शादी के बाद ये पहला वैलेंटाइन डे है। इसमें कैटरीना कैफ, अंकिता लोखंडे से लेकर मौनी रॉय और करिश्मा तन्ना तक कई एक्ट्रेस शामिल हैं। आइए जानते हैं इन सभी के बारे में, ये लोग कैसे बना रहे हैं वैलेंटाइन डे। नंबर 1, मौनी रॉय और सूरज नाबियार। टीवी की नागिन के नाम से मशहूर एक्ट्रेस मौनी रॉय ने 27 जनवरी को बॉयफ्रेंड सूरज नाबियार के साथ गोवा में शादी की। सूरज और मौनी की पहली बार मुलाकात 31 दिसंबर 2019 की रात दुबई के एक नाइट क्लब में हुई, और दोनों वहां पर नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुंचे थे। अजनबियों के रूप में दोनों की मुलाकात हुई, और इसके बाद में सूरज और मौनी एक दूसरे को पसंद करने लगे और उन्होंने डेटिंग भी शुरू कर दी थी। जिसके बाद में हम बात करेंगे कैटरीना कैफ और विकी कौशल के बारे में। विकी कौशल और कैटरीना कैफ ने राजस्थान के फोर्ट बरवाड़ा में 9 दिसंबर 2021 को शादी की। कोरोना के चलते इस शादी में दोनों तरफ से चुनिंदा लोग ही शामिल हुए, और कपल की शादी को 2 महीने हो चुके हैं और दोनों ही अपने अपने वर्क कमिटमेंट्स को पूरा करने में लग चुके हैं। कपल शादी के बाद अपना पहला वैलेंटाइन सेलिब्रेट कर रहा है। वही अगर बात करेंगे नंबर 3, पवित्र रिश्ता फेम अंकिता लोखंडे की। अंकिता लोखंडे ने 14 दिसंबर 2021 को बॉयफ्रेंड विकी जैन से शादी कर ली। परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में एक्ट्रेस ने हयात होटल में विकी जैन के साथ में 7 फेरे लिए। शादी के बाद अंकिता लोखंडे का ये पहला वैलेंटाइन है। बता दें कि अंकिता कभी सुशांत सिंह राजपूत के साथ लिव इन में भी रह चुकी है। नंबर 4, पत्रलेखा और राजकुमार राव। राजकुमार राव ने लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड पत्रलेखा से 15 नवंबर 2021 को चंडीगढ़ में शादी की। बता दी कि राजकुमार और पत्रलेखा ने 13 नवंबर को सगाई की थी। 2 दिन के बाद में 15 नवंबर को दोनों हमेशा के लिए एक हो गए। राजकुमार राव की दुल्हन पत्रलेखा पॉल का जन्म मेघालय की राजधानी शिलोंग में 20 फरवरी 1989 को एक बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। एक्ट्रेस के पिता चार्टर्ड अकाउंटेंट है जबकि माँ होममेकर है, और शादी के बाद में ये कपल भी पहला वैलेंटाइन डे मना रहा है। नंबर 5, सुगंधा मिश्रा और संकेत भोसले। मशहूर कॉमेडियन सुगंधा मिश्रा और संकेत भोसले ने 26 अप्रैल 2021 को शादी की। दोनों ने जालंधर के क्लब कबाना में 7 फेरे लिए और एक दूसरे के हो गए। शादी के बाद कपल अपना पहला वैलेंटाइन सेलिब्रेट कर रहा है। नंबर 6, श्रद्धा आर्या और राहुल। कुंडली भाग्य फेम श्रद्धा आर्या ने 16 नवंबर 2021 को नौसेना अधिकारी राहुल शर्मा से शादी की, और इस शादी में उनके परिवार के लोग, कुछ करीबी दोस्त भी शामिल हुए। श्रद्धा ने दिल्ली के एक होटल में राहुल के साथ 7 फेरे लिए और शादी के बाद अपना फर्स्ट वैलेंटाइन सेलिब्रेट कर रहे हैं। नंबर 7, टीवी एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना। 5 फरवरी को अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड वरुण बंगेरा के साथ शादी के बंधन में बंध गई। करिश्मा तन्ना और वरुण बंगेरा एक दूसरे को पिछले 1.5 साल से डेट कर रहे हैं। वरुण बंगेरा मुंबई के रहने वाले हैं और इसके साथ ही वो बिजनेसमैन भी है। वो वीबी क्रॉप नाम की कंपनी के डायरेक्टर है। नंबर 8, ऐश्वर्या शर्मा नील भट्ट। सीरियल गुम है किसी के प्यार में के लीड रोल निभाने वाले एक्टर नील भट्ट ने ऐश्वर्या शर्मा से 30 नवंबर 2021 को शादी की। बता दें कि गुम है किसी के प्यार में शो अक्टूबर 2020 में शुरू हुआ था, और यही उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया, और कुछ ही महीनों के बाद में दोनों ने रोका कर लिया, और अब कपल अपना पहला वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहा है। तो दोस्तों, इन सब में आपकी सबसे प्यारी जोड़ी कौन सी है, आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इसी तरह की बॉलीवुड से जुड़ी और सेलेब से जुड़ी और भी ताजा अपडेट एंड गॉसिप्स के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।